क्या कहना चाहोगे आज किसानों के ऊपर जो हो रहा है? को हम लुकाना चाहो है, चलो ऊपर पानी में डूब का क्यों नहीं मर जाओ, एक किसान का बेटा होकर और डूब का मर जाओ ना, वो अपनी औकात ने भूल गया कि जब अपनी माँ के साथ में चुंदड़ी उड़ाना फिर था गांव गांव में चुपाड़ा में पंचायत करके ना, आज भूल गया कि उस औकात ने किसके कारण बना था वो मारे वर्गीय चुंदड़ी की लाज रख कर उसकी वोट गिर का जमना पा रहे उन्हें तो आड़े कति मारे छत्ती पर बिठा दिए मौजूद एक बार फिर से बस्तारा टोल प्लाजा पर, और जो किसानों और पुलिस के अंदर जो संघर्ष हुआ है उसी के बारे में आज हम जानना प्रयास करें। कुछ महिला हैं काफी रोष प्रकट कर रही हैं वो, और इसे बात भी करने का प्रयास करें क्योंकि काफी स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि वो बस्तारा टोल प्लाजा पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और अचानक आकर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया जिसके अंदर काफी किसान घायल हुए। यहाँ एक किसान महिला, उनसे बात करेंगे। बहन जी, जो किसानों को चोट लगी है, बुजुर्ग 70-80 के साल के किसान हैं, उनके हाथ मुंह नाक पैर सिर सब तोड़ फोड़ दिए पुलिस द्वारा और काफी उनका बुरा हाल है और गंभीर हालत है। क्या गाँव का सीने के तड़के आन के बैठे थे और सारे मार करे और डट बालक भी इन्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ देख रहे महिला रो कर अपनी व्यथा बता रही है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, महिला क्या समय आंसू है और महिला रो कर ये बात बता रही है कि किसानों के साथ किस तरह का रवैया सरकार का है, क्या कहना चाहेंगे? टोल टैक्स पर लेडीज आपको पता लगा या गंदा काम कर रही है जिवे तो लेडीज ना रोड पाना पड़ रहा है नी के काम और बढ़ता धार रोकी का टाइम था धार का डारा में बता रहे के करना ना था और गद्दी संभाली जानी ना तो छोट का ना झोला दर का और अपने कन्ना हो जाओ इस गद्दी ना और संभाल नाले बतेरे है हूँ क्यों खाम खाई मैं देश में लग रहा पंगा करवाने कदे फौजिया गेलिया कदे पुलिसिया गेलिया कदे किसाना गेला कदे किसे गेला जीव करा जिंग है 10 आदमी इकट्ठे हो जाओ गोली चलवा दे गंडास चलवा दे लठ बजवा दे क्यों करवा रहा है ऐसा काम। 6 बार हरियाणा चढ़ा लिया जिस दिन से बीजेपी बना 6 बार कदी पुलवामा में बम गिरवा दिया कदे किटी करवा दिया कदे किटी करवा दिया सही ढंग राज करना है को नहीं आ रहा है ना नहीं होता तो अपना इस्तीफा क्यों नहीं दंदा आयु हमारे किसान भाई अन्नदाता सारी दुनिया का पेट भर रहे हैं जी जंतर जो भी है जीव सारा किसान के ऊपर जब इन्हें किसान के लिए काम कर दिया तो भला किस गली करेगा जो ये हमारे किसान और मजदूर है नी ये सभी एक हो जाओ। हम तो एक बात बोलना चाहो है जितने भी किसान सोए हुए हर ये मजदूर सारे के सारे जाकर सब निकल आओ यहाँ और सरकार को ये पता चले कि हाँ भाई किसान मजदूर एक है और हम एक है। ये देखिए ना यार किसाना की जनसंख्या किसान तो चले ताई एक बात और बता दे जो सेन चोटाला था किसाना के तेरे किसान परिवार से है और किसाना की बात करा करता किसान और आज सरकार गठबंधन कर लिया और राज कर उन दुष्यंत चौटाला को क्या कहना चाहोगे आज किसानों के ऊपर जो हो रहा है? चौटाला को हम लुकाना चाहो है चलो ऊपर पानी में डूब का क्यों नहीं मर जाओ, एक किसान का बेटा होकर और डूब का मर जाओ ना, वो अपनी औकात ने भूल गया कि जब अपनी माँ के साथ में चुंदड़ी उड़ाना फिर था गाँव गाँव में चुपाड़ा में पंचायत करके ना, आज भूल गया कि उस औकात ने किसके कारण बना था वो मारे वर्गीय चुंदड़ी की लाज रख कर उसकी वोट गिर का जमना पा रहे उन्हें तो आड़े कति मारे छत्ती पर बिठा दिए मोदी सरकार ने पुलिस बड़का है दिया ने जमना पार करा तो नहीं मोदी ने लड़ा को नहीं अरे अच्छी कौन करी ना सर इसकी माँ के ऊपर गिर देंगे नैना पे हमने तो इसकी वोट दी थी बनाया था हमने यू हमने स्कूल भरा था सीने में लेडी जाना सच्चाई है या कोई झूठी बात नहीं है अरे यू गद्दारी कर गया तो किसान ना गेली धरती बिकवाण खातर लड़ा था के मोदी इस बार इसके भी ले दो विचार कर रहे क्या कहना चाहोगे जी रसास के आदमी रल रहे हैं ये खाली पुलिस खोद नहीं है सब कुछ ये रल मिल कर करे इनके रली मिली भगत है या सारे खून नम खून कर दिए बूढ़े तो बूढ़े बच्चे तो बच्चे इनका कोई शर्म लिहाज नहीं है इन्हें फोड़ दिए हैं या इसके कट्ठे कर कसब न एकदम गोला घेर दो। सामने देख सकते हैं बस खड़ी एक और अंबाला कैंट दिल्ली से पटियाला लंबे रूट की बस है और ये भी जाम में फंसी हुई है जो बस्तारा टोल प्लाजा पर है। जान लेते हैं जो सवारियां अंदर बैठी हुई हैं उन्हें कितनी यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि काफ़ी गर्मी है और गर्मी की वजह से सवारियों को परेशानी भी हो रही होगी। जानने का प्रयास कर लेते हैं इन सवारियों से कि कितनी देर से जाम में फंसे हुए हैं और कितनी दिक्कत का सामना हो रहा है। बहन जी कितनी देर से जाम में फंसे हो आप? है जी आधा पौना घंटा हो गया। आधा पौना घंटा हो गया जी। 4 बजे से खड़े हैं जी। 4 बजे से खड़े हो? हाँ यही खड़े हुए हैं। 4 बजे से पहले के खड़े हैं। यहाँ देख सकते हैं बस जो खड़ी है दिल्ली से पटियाला जा रही है। भाई साहब कितना टाइम हो गया वेट करते हुए? आधा घंटा हो गया भैया। आधा घंटा क्या परेशानी आ रही है? देखो काफी परेशानी आ रही है, काफी दूर जाना है।
तो जब ऐसी स्थिति बनती है, किसान जो है इन्होंने जाम लगा रखा है, जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखो, बैठ के बात करनी चाहिए किसानों को और सरकार को, आपस में बात करनी चाहिए, इसका कोई तो मसला हल होना चाहिए ना, ना आए और पब्लिक परेशान ना हो। हाँ जी, हाँ जी, ये संदेश है। बहन जी क्या कहना चाहेंगे सरकार से? भाई यही है, आपस में बैठ के हल करें, और क्या, आम जनता को इतना दुखी किया हुआ है, किसी ने कहीं इमरजेंसी पहुंचना है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, सब जनता हम परेशान है, तो बैठ के बात करनी चाहिए किसानों से। यहाँ देखिए, जो बस की सवारियां हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार और किसानों को बैठकर आपस में बातचीत करनी चाहिए, ताकि किसी अन्य किसी जो पब्लिक है, पब्लिक को नुकसान ना हो। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बसों में सवारियां काफ़ी परेशान बैठी हुई हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक बहन जी और बैठे, उनसे बात कर ले। बहन जी क्या दिक्कत आ रही है बता दीजिए, और सरकार को जब ऐसी स्थिति बनती है क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगी, इधर बात आप भी बता दीजिए। परेशानी तो हो रही है? परेशानी तो है ही, गर्मी है बहुत गर्मी है, और धूप देखो सामने पड़ रही है। कहाँ से आए आप? मैं सोनीपत से। तो कहाँ जाएंगे आप? करनाल, सोनीपत से करनाल। ये बहन जी जाने की बात कर रही है और परेशान है गर्मी में, देखा। और क्या कहना चाहिए किस तरह का, जो पब्लिक को परेशानी नहीं हो, सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए किसानों के साथ? देखो, किसानों के साथ सुलह चाहिए ना, जो आराम से करे, जो काम है उनको ठीक करो, सरकार का काम क्या है, और ये बात है ना। अब ये काम का परेशान हो रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, यहाँ गाड़ी में पड़े हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, जरूरी काम हमारा खत्म है यहाँ। तो यहाँ देखा, एक किसान आए हैं, यहाँ किसान, बुजुर्ग किसान आए हैं, और वो बस में आए हैं, और बस में वो बस जो यात्री हैं बस के, उनको कह रहे हैं कि लंगर तैयार है, लंगर की व्यवस्था की गई है, लंगर पानी पियो, चाह पीनी, चाह पियो, सब कुछ तैयार है। तो यहाँ देखा आपने, सरदार साहब हैं, वो विशेष रूप से यात्रियों को कह रहे हैं कि कोई परेशानी आ रही तो लंगर वगैरह तैयार है, खा पी कर जाएं। क्या संदेश दे, क्या कहने हैं सवारियों के लिए? क्या कहना है, लाठी चार्ज करके बहुत फटर कर देते हैं, उसके बावजूद भी आप लंगर खिलाने की बात कर रहे हैं? हाँ, लंगर तो हमारा फर्ज है, लंगर तो इन इंसान ने खाएगा तो ताई सांस लेगा। बिल्कुल, यहाँ बुजुर्ग सरदार किसान हैं, उनका बस पर आए हैं, और बस पर उन्होंने अपील की है सवारियों से, यात्रियों से, कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, पानी पिए, चाय पीने, लंगर वगैरह सब तैयार है। माता जी आप कहाँ से आए हैं? बेटा पटियाले जाना, मैं थे गुड़िया बीमार से। आपकी बेटी बीमार है? हाँ, भतीजी मेरी बीमार है। कदों चल रहे हो, कितने आए हो? चले ग्राउंडर आए हैं। ग्राउंडर आयो? हाँ, तो जाना पटियाले, बेटी थोड़ी बीमार है। हाँ जी, फिर अकेले काम बनेगा, बेटी मारे थे ऐसे जाम में फंसे हो। की करिए और फंसे हैं और की कहना चाहोगे सरकार नु? आज सरकार नु कहवा, सारी सरकार जितनी चाहिए और की है कि नहीं, सारी सरकार जितनी चाहिए, सारे बैठे ने इतने चिर दे किसान, किसाना ही ना पूरी होए तो फिर साडी की है, असि भी इत्थे रुके हैं, कोई गल नहीं, पर दुनिया नाल ही है। तुसी भी नाल हो किसाना दे, बेटी बीमार है तो बेशक रही जावे, की भाई रही जाए बेटी बीमार है तो, जेड़ा इन्हें सट्टा खान देना वो भी ध्यान साडे, बिल्कुल बेटे ने साडे, बिल्कुल बिल्कुल। हां, इन्ने चिर हो गया रोंदे फिरदे ने बह के, इन्हां नु कोई साड़ी भी है सुनाई कि इन्ना पिछे असी हाँ, ठीक है ना। यहाँ देखा अपने, माता है साढ़े नाल भावुक हो गई, माता माता का कहना है कि बेटी तो हो जाएगी ठीक, लेकिन जेडे किसान ने पहले, असी किसानों नाल बह जाएंगे असी भी। तो जब कैसी यहाँ स्थिति बनी हुई है, कोई बीमार व्यक्ति है, किसी ने अपने जरूरी काम से जाना है और वो जाम में फंसे हुए हैं, उसके बावजूद भी लाठी डंडे खाने के बाद घायल किसान जो हैं, जो हुए हैं, उनका भी परिवार है, उन्हें भी चिंता है, और जो किसान गिरफ्तार हैं उनके परिवारों को भी उनकी चिंता है। और यहाँ एक अभी जो माँ बुजुर्ग किसान महिला थी, वो उसकी बेटी बीमार है, गरोड़ा से वो चली, उसने पटियाले जाना है, उसका साफ तौर पर कहना है कि बेटी बाद में, किसान पहले। आप लगातार बने रहिए जुड़े, हम एक एक पल की रिकॉर्ड आपको बस साड़ा रोड प्लाजा से, टोल प्लाजा से देते। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।